गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास नाइन्थ का आपका चैप्टर चला हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो उसकी थर्ड वीडियो है ये। लास्ट टाइम तक आप कर चुके थे अबाउट न्यूट्रॉन तक आप कर चुके थे, तो उसके नेक्स्ट टॉपिक आपका है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो देखिए यहाँ पे आपके थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स दे रखे हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जिसका सिंबल होता है कैपिटल ई, ठीक है, और इसकी जो प्रेजेंस है या इसकी लोकेशन है ये कहाँ होता है, ये न्यूक्लियस के अराउंड होता है, ठीक है, एटम के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड। इसके चार्ज की बात करें तो -1 इसके ऊपर चार्ज होता है, और इसके मास की बात करें प्रोटॉन के कंपेयर में, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के कंपेयर में इसका मास होता है 1/1840। और इसके एक्चुअल मास की बात करें ग्राम में तो 9.11 × 10⁻²⁸ ग्राम इसका वेट होता है। प्रोटॉन की बात करें, ये आपका सेकंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, कैपिटल पी से इसको डिनोट करते हैं, और ये न्यूक्लियस में होता है, ठीक है, इनसाइड द न्यूक्लियस। इसके चार्ज की बात करें तो जितना चार्ज आपके इलेक्ट्रॉन के ऊपर था उसका अपोजिट चार्ज इसके ऊपर होता है, वहाँ पे -1 था, यहाँ पे होगा +1। इसकी मास की बात करें तो इसका 1 होता है, और एक्चुअल मास की बात करें तो 1.67 × 10⁻²⁴ होता है ग्राम। न्यूट्रॉन थर्ड है आपका, स्मॉल एन से शो करते हैं, और ये भी न्यूक्लियस में ही पाया जाता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। और इसके मास की बात करें तो मास इसका 1 होता है, और एक्चुअल मास भी इसका प्रोटॉन के इक्वल होता है। और एक नया वर्ड इनको हमने दिया हुआ है, अगर हम प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को एक साथ कलेक्टिवली अगर उनकी बात करें तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके दोनों आ जाते हैं। नेक्स्ट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, इनके नंबर होते हैं एक्चुअल में। या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर लीजिए या नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात कर लीजिए, ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कि कितना पॉजिटिव चार्ज की यूनिट उसके ऊपर हैं ऑफ द एटम ऑफ दैट एलिमेंट, और एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की भी बात आप कर सकते हैं। इसको हम जो डिनोट करते हैं वो जेड के साथ करते हैं, और ये पॉजिटिव चार्ज की यूनिट की फॉर्म में कैलकुलेट किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैरिड बाय ऑल द प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, कि कितना टोटल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है जो कि प्रोटॉन्स के द्वारा कैरी किया गया है न्यूक्लियस के अंदर। तो इसे आप कह सकते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर दूसरे टर्म में कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट, कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, दोनों एक ही बातें हैं। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका मीन क्या है कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 ही प्रोटॉन है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि 2 ही इसके पास इलेक्ट्रॉन है और 2 ही इसके पास प्रोटॉन है, ठीक है। नेक्स्ट है मास नंबर। मास नंबर को हम कैपिटल ए के साथ डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है, सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, प्रेजेंट इन द एटम अलोंग विद देयर न्यूट्रॉन। तो क्या कह सकते हैं आप कि सम आपको करना है, किसका सम करना है, एटॉमिक मास निकालने के लिए, ए निकालने के लिए आप सम करोगे किसका, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का, ठीक है, इनका सम करेंगे। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो दोनों का नंबर आपको सम कर लेना है, टोटल कर लेना है, तो जो भी वो वैल्यू आपकी आएगी वो आएगी आपके एटॉमिक मास की वैल्यू आ जाएगी। तो मास नंबर इक्वल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो कार्बन की अगर मैं बात करूँ तो कार्बन के पास जो उसका एटॉमिक नंबर है वो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 ही इसके पास प्रोटॉन है, ठीक है। तो जब इसके मास की बात करते हैं तो इसका मास आता है 12 यूनिट। इसका मेन क्या हुआ कि इसके पास 6 तो प्रोटॉन थे, अब जो मास बनता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है, तो 6
जो आया है वो तो प्रोटॉन से आ गया, और बाकी जो सिक्स की वैल्यू है वो किससे आई है, न्यूट्रॉन से आई है। तो अल्टीमेटली इसका सिक्स प्लस सिक्स कितना हो गया, ट्वेल्व हो गया। आप इन प्रोटोन की जगह पर इलेक्ट्रॉन भी काउंट कर सकते हैं, इनके नंबर। ऐसे ही एल्युमिनियम दे रखा है 27 होता है, तो इसमें 13 उसके पास प्रोटॉन है और 14 उसके पास न्यूट्रॉन है, तो उसका मास हो गया 27 यूनिट। नेक्स्ट आपका है नील बोर एटॉमिक मॉडल। तो ये डेनिस फिजिस थे और इन्होंने एटॉमिक मॉडल को प्रपोज किया था, और इनके जो पोस्टुलेट्स हैं वो आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखे हैं, उन्हें हम यहाँ से एक बार रिवाइज कर लेते हैं जिससे आपको चीज़ें इजीली क्लियर हो जाएंगी। देखिए, बोर्स मॉडल ऑफ एटम, ये क्या कहते हैं कि आपने देखा कि लास्ट टाइम जो रदरफोर्ड का मॉडल आया तो उसमें कुछ ऑब्जेक्शन थी, ठीक है, उसमें कुछ चीज़ें क्लियर नहीं थी, तो उन चीज़ों को ऊपर स्टडी करके इन्होंने एक नया मॉडल प्रपोज किया, और इन्होंने क्या स्टेटमेंट अपनी यहाँ पर रखी वो देखिए कि ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट, कि कुछ ही ऐसे स्पेशल ऑर्बिट होते हैं जिनको हम डिस्क्रीट ऑर्बिट कहते हैं, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम, कि एटम के अंदर सिर्फ कुछ ही ऑर्बिट होते हैं जिन्हें हम डिस्क्रीट ऑर्बिट कह देते हैं या स्पेशल ऑर्बिट कह देते हैं। सेकंड पॉइंट, व्हाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी, और जब इलेक्ट्रॉन इन स्पेशल या इन डिस्क्रीट ऑर्बिट में ही मूव करते हैं तो वो कोई एनर्जी रिलीज नहीं करते। दीज ऑर्बिट्स और सेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल, इनको हम कह देते हैं एनर्जी लेवल, और एनर्जी लेवल यहाँ पे आपको दिखाए हुए हैं, ये लास्ट सेंटर में आपके पास है न्यूक्लियस, फर्स्ट जो आपका ऑर्बिट है, ठीक है, उसको के शेल कहा जा रहा है, और एन इक्वल वन क्योंकि यहाँ पे शेल फर्स्ट है वो। ऐसे ही सेकंड को उन्होंने एल से स्टार्ट किया, जैसे के एल एम एन ओ पी, इस तरह से उन्होंने इन शेल को नाम दिया हुआ है। और नंबर की बात करें तो जो के वाला है वो फर्स्ट, एल वाला सेकंड, एम वाला थर्ड, इस तरह से उन्होंने शोन कर रखा है। नील बोर एक साइंटिस्ट थे जिनका बर्थ 1885 में और डेथ 1962 में हुई, और कोपेनहेगन में इनका बर्थ हुआ 7 अक्टूबर 1885। ही वाज अपॉइंटेड प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एट कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी इन 1916 में वहाँ पे प्रोफेसर अपॉइंट हुए। ही गॉट द नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क, और इस वर्क के लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया 1922 में। और प्रोफेसर होते हुए उन्होंने कुछ राइटिंग्स की, उनमें से उनकी कुछ बुक्स हैं द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, एटॉमिक थ्योरी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, ये तीन बुक इन्होंने यहाँ पे राइट किया। इसके बाद कुछ और इनके पॉइंट्स हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू डिफरेंट ऑर्बिट ऑफ एन एटम वाज सजेस्टेड बाय बोर एंड बरी, ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं पहले। द फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड फॉर राइटिंग द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिफरेंट एनर्जी लेवल्स ऑफ शेल, तो कुछ रूल्स यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं जिनसे आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं अलग अलग शेल में। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सेल इज गिवन बाय द, एक फॉर्मूला इन्होंने दिया कि जो मैक्सिमम नंबर है इलेक्ट्रॉन्स के किसी भी सेल में आप कैसे निकाल सकते हैं, फॉर्मूला है उसका 2n स्क्वेयर। तो n यहाँ पे क्या है, ये है ऑर्बिट का नंबर या फिर एनर्जी का लेवल। तो ये 1b2, जैसे आपने देखा था शेल फर्स्ट है, ठीक है, के लिए, तो यहाँ पे n हो जाएगा 1। दूसरा शेल सेकंड आपका था l, ठीक है, वहाँ पे आपका n हो जाएगा 2। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में कितने ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यदि हम पहले सेल की बात करेंगे तो पहले सेल के लिए देखो फॉर्मूला है 2n स्क्वेयर, और फर्स्ट सेल के लिए n क्या है 1 आपका, तो वैल्यू पुट करिए तो ये क्या बन जाएगा 2 × 1 का स्क्वेयर, अल्टीमेटली क्या आएगा 2 आएगा। तो फर्स्ट सेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। ऐसे ही आप नेक्स्ट के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं इन्हें। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। वो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम से मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन है जो सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में हो सकते हैं वो सिर्फ 8 हो सकते हैं। उससे कम तो फाइंड आउट आप कर सकते हैं, उससे ज़्यादा वहाँ पर प्रेजेंस आपको नहीं देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन ए गिवन शेल अनलेस द इनर सेल आर फिल्ड। वो कहते हैं कि आप ऐसा नहीं है कि किसी के पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो आप सबसे बाहर वाले में पहले 8 फिल कर दें उसके बाद आप अंदर वाले में, नहीं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग होगी वो फर्स्ट सेल में होगी, के वाले में होगी, जितने भी उसमें मैक्सिमम आ सकते हैं, उसके बाद सेकेंड वाले में, फिर थर्ड वाले में, इस तरह से आपको उनकी फिलिंग करनी होती है स्टेप वाइज मैनर में।
के। तो ये इनके कुछ पॉस्टुलेट्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे लिथियम के लिए दिखा रखा है, आपको पता है कि इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो 2 इसके इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में और जो 1 रह गया वो आउटर सेल में। कार्बन के लिए देखिए 6 होता है एटॉमिक नंबर, तो 2 इसके इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में और जो बाकी 4 रह गए वो सेकंड सेल में। उसके बाद सोडियम के लिए देखिए, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो फर्स्ट सेल में आपको पता है 2 आते हैं और सेकंड सेल में जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि 8 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ सकते हैं। तो फर्स्ट वाले में 2, सेकंड में 8 और जो 1 रह गया वो थर्ड वाले में। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। तो नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन एंड वैलेंसी। तो वॉर एंड बड़ी की ये स्कीम थी, ये आपको मैं अभी बता चुका था कि के शैल है तो उसमें आपके जो मैक्सिमम कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन की है, एल में 8 है, एम में 18 है और एन में 32 इलेक्ट्रॉन्स है। ये आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो इसी रूल को एक नाम और उन्होंने दिया है, द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, कि 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन कैरी नहीं कर सकता, ठीक है। इवन इफ इट हैज़ ए कैपेसिटी टू अकोमोडेट मोर इलेक्ट्रॉन, चाहे वो ज़्यादा कैरी करने की कैपेसिटी रखता हो वो 8 ही रखेगा। अब जैसे आपने देखा थर्ड वाले केस में कि 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कैपेसिटी है, ये देखिए 18 है ना एम शैल में, लेकिन वो 18 कैरी नहीं करेगा, वो मैक्सिमम सिर्फ 8 ही कैरी कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि वो अपनी सेटिस्फेक्शन वहाँ पे करता है, अपना ऑक्टेट पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करता है, अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है और ये इलेक्ट्रॉन ही उसको मदद करते हैं स्टेबिलिटी में। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल एंड इज ऑल्सो कॉल्ड द ऑक्टेट रूल। द प्रेजेंस ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल मेक्स द एटम वेरी स्टेबल, तो जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन उसके कंप्लीट हो जाते हैं तो वो काफ़ी स्टेबल हो जाता है। लास्ट टॉपिक आपका आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स। तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं और आइसोबार्स क्या होते हैं, तो देखिए इनमें डिफरेंस दे रखे हैं। आइसोटॉप में क्या होगा, सेकंड पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम कैन नॉट बी सेपरेट बाय केमिकल मीन, इसमें क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, ठीक है। और ऐसी ये स्पीसीज होती हैं, डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, सेम एलिमेंट की, जिनका कि एटॉमिक नंबर तो सेम होता है आइसोटॉप में, ठीक है। आइसोटॉप में क्या सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम, लेकिन अगर मास नंबर की बात करें डिफरेंट, क्लियर। ये है आइसोटॉप, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। इसका एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास हाइड्रोजन का ही आप ले लीजिए, H11, H12, H13। तो देखिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर अलग अलग है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देख सकते हैं। तो ये आपका है आइसोटॉप, इसे कहते हैं आप प्रोटॉन। ये सेकंड वाला आपका ड्यूटेरियम और थर्ड होता है ट्राइटियम, इनके नाम दिए गए हैं, ठीक है, बल्कि ये हैं क्या आइसोटॉप्स हैं। ये दूसरा, ये केमिकली सेम होते हैं लेकिन फिजिकली डिफरेंट होते हैं, ठीक है, और इनको आप केमिकल से सेपरेट नहीं कर सकते, किसी भी मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। आइसोबार्स की बात करें, ये केमिकली डिफरेंट होंगे लेकिन फिजिकली सेम होंगे। एटम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट, दोनों के केसेस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको अलग अलग मिलेंगे और कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मीन, और आप इनको सेपरेट भी कर सकते हैं किसी केमिकल वे से। आइसोबार देखिए, आइसोबार्स का यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, कैल्शियम एंड आर्गन। पहले इनको देखते हैं किस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैल्शियम एंड आर्गन। तो कैल्शियम को आप लिखेंगे Ca, आर्गन आपका सिंबल Ar, कैल्शियम का और आर्गन का। तो कैल्शियम का यहाँ पे जो आपको पता है कि एटॉमिक नंबर होता है 20, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18,
लेकिन जब इनके मास नंबर की बात करते हैं, इसका भी 40 और इसका भी 40। तो देखिए क्या डिफरेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एटॉमिक नंबर सेम है इन स्पीसीज़ का, लेकिन इनका मास नंबर डिफरेंट है। ठीक है, तो ये ऐसी स्पीसीज़ होती है विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, और बाकी आपने इनके डिफरेंस वहाँ पे देख लिए थे। तो इस तरह आपका ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इस वीडियो को आप देखें, अच्छे से अंडरस्टैंड करें। थैंक यू।